मध्यम वर्ग का परिवार बड़ी मेहनत करके पैसे बचा बचा करके सोचे कि चलो रिटायर होने से पहले या बच्चे बड़े होंगे शादी से पहले एक मकान बनवा लूं, और वो बढ़िया सा स्कीम बढ़िया सा ब्रोचर देख करके फोटो बड़ी शानदार हो, ऐसी टाइल्स है, ऐसा मार्बल है, ऐसी खिड़की है, ऐसा झूमर लटका होगा, ऐसे भांति भांति का बड़ा पढ़ करके वो पैसे दे देता है। और बस पैसे भी गए, मकान भी नहीं आ रहा है, किराए पर मकान में किराया दे रहा है, बैंक से पैसा ले रहा है, ब्याज दे रहा है, मकान मिल ले रहा है। पांच पांच दस दस साल से ऐसी योजनाएं, कोई 60% पूरी हुई है, कोई 70% पूरी हुई है, कोई 80% पूरी हुई है, मकान नहीं मिल रहा है। हमारे देश में सिर्फ महत्वपूर्ण शहरों में 4.5 लाख मकान ऐसे हैं जो किसी न किसी परिवार के पैसों से बने, हक है उसका, लेकिन 10% 20% काम अटका हुआ है और 5-5 साल से अटका हुआ है। न उसे मकान मिला है, न पैसे वापस मिल रहे हैं, न उसका ब्याज कम हो रहा है, न उसका किराया कम हो रहा है। आखिरकार परसों सरकार ने एक योजना बनाई, करीब 25-30 हजार करोड़ रुपया लगा करके ये 4.5 लाख लोग जिनके परिवार को आज जिंदगी अनिश्चितता में जीनी पड़ रही है, उनके जो मकान तय है उसमें 10% 20% काम है, वो काम पूरा करवा दिया जाएगा। मकान उस मध्यम वर्ग के परिवार को वो मकान दे दिया जाएगा।